तो आज जैसे मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन आया है, ये जियो का मॉडल है, ये जियो का नेक्स्ट मॉडल है जो अभी नया मोबाइल फ़ोन चल रहा है। इस मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम ये थी कि इस मोबाइल फ़ोन में पासवर्ड लगा था। पासवर्ड लगने के बाद जो पासवर्ड लगा था, पासवर्ड को तो हम लोग हार्ड रीसेट से ही तोड़ लेते हैं, लेकिन पासवर्ड को हमने हार्ड रीसेट से तोड़ लिया, तो हार्ड रीसेट तोड़ने के बाद उस मोबाइल फ़ोन में FRP लग जाता है। हमारे मोबाइल फोन की बात करें, सबसे पहली बात क्या है, कंपनी जो हमारे मोबाइल फोन में जो लॉक लगाती है, वो लॉक कई अलग अलग तरीके के सिक्योरिटी को लॉक को लेकर के चलती है। सबसे पहला लॉक जो होता है पैटर्न, पिन, पासवर्ड। या तो पैटर्न लॉक लग जाता है, या तो पिन लॉक लग जाता है, या तो पासवर्ड लॉक लग जाता है। कंपनी इन तीनों में से मजबूत कर देती है। अगर इस तीनों को कंपनी ने हल्का कर दिया है कि आप मान लो वाइप डाटा करते ही ये लॉक टूट जाता है, तो समझ लीजिए इसका सेकंड लॉक जो FRP लॉक है ये मजबूत है। अगर कोई भी मोबाइल फ़ोन ऐसा आता है जिसका पासवर्ड पैटर्न ऐसे वाइप डाटा करने से टूट जाता है, तो समझ लीजिए उसका FRP लॉक मजबूत है। अगर जिसका ये लॉक हल्का है तो ये मजबूत करेगी। अगर कंपनी इसको मजबूत कर दिया तो समझ लो FRP में कोई दमी नहीं, FRP ऐसे टूट जाएगी। फिर उसके बाद तीसरा लॉक लग जाता है MI अकाउंट करके। ये खाली MI के मोबाइल फ़ोन में लगता है, बाकी किसी मोबाइल फ़ोन में नहीं लगता। ये पैटर्न, पिन, पासवर्ड, फिंगर, फेस लॉक, ये सब लोग फॉर्मेट करते ही आपका लॉक टूट जाता है। तो अगर हम लोग वाइप डाटा करने जाते हैं तो वाइप डाटा करने से लॉक नहीं टूटता, तो हम लोग इसके माध्यम से करते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन में जैसे मेरे पास FRP लॉक लगा है, तो हम लोग इंग्लिश किया, आगे नेक्स्ट करेंगे। आगे नेक्स्ट करने के बाद वो इसको सर्च करेगा। सर्च करने के बाद फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको वाईफाई से इसका कनेक्शन देना पड़ेगा। वाईफाई से कनेक्शन इसको ये देना पड़ेगा कि वेरीफिकेशन के लिए, कि ये वेरीफाई करेगा कि इसमें जीमेल लॉक है कि नहीं है। और हमारा जीमेल लॉक कब से चालू हुआ है, 2014। जब से 2014 के बाद 5.1 वर्जन लॉन्च हुआ था, तब से हमारे मोबाइल फ़ोन में FRP लॉक लगना स्टार्ट हो गया। ये देखिए, हम नेक्स्ट करेंगे, एंड्रॉयड पे जाएंगे, ओके करेंगे। ये पासवर्ड मांग रहा है। अब पासवर्ड तो हमने तोड़ दिया है, हम लोग गूगल से जाएंगे। जब हम लोग गूगल के माध्यम से जाएंगे, तो गूगल के माध्यम से जाने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा। वो चेक कर रहा है कि इसमें, ये देखिए, ये कह रहा है जीमेल आईडी पासवर्ड डालो। जीमेल आईडी पासवर्ड का मतलब होता है इसमें जीमेल आईडी पासवर्ड डालोगे नहीं तो आगे नहीं जाने देगा। तो अगर जब हम इसको FRP को ब्रेक कर देंगे, बाईपास कर देंगे, तोड़ देंगे, तो यहाँ पर स्किप का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, तो लॉक हमारा क्या है, टूट गया है। चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात क्या, ये हमारे पास जैसे मॉडल है LS1542, ये जियो नेक्स्ट मोबाइल फ़ोन जो नया लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन है, वो मोबाइल फ़ोन है LS1542। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात गूगल पे जाना पड़ेगा। गूगल पे जाने के बाद हमको ये देखना पड़ेगा इसके अंदर CPU कौन सा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर चेक करेंगे इसके अंदर CPU कौन सा है। इसके अंदर CPU जो हमारा लगा हुआ है, क्वालिकॉम CPU लगा है, जिसको हम लोगों ने गूगल से चेक कर लिया है। अब क्वालिकॉम CPU चेक करने के बाद अब यहाँ पर आपको टाइप करना है, यहाँ पर टाइप करना है LS1542 EDL पॉइंट। अब EDL पॉइंट हमें लोग इसलिए ढूंढेंगे क्योंकि ये क्वालिकॉम CPU लगा है। क्वालिकॉम CPU लगने का मतलब है इसके अंदर EDL पॉइंट लगा हुआ है। इमेज पे क्लिक करेंगे। इमेज पे क्लिक करने के बाद जैसे आप इसमें से देखेंगे, कोई भी ऐसी इमेज है जिसमें साफ सूफ नज़र आ रहा हो, अगर आप देखेंगे, ये देखो बता रहा है, कह रहा है इन दोनों पॉइंटों को सॉर्ट करें। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है, ये हमारा ये ऑप्शन हाईलाइट कर रहा है कि ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंटों को अगर आप मिला देंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन EDL पॉइंट में कनेक्ट हो जाएगा। अब फोन पोर्ट बना लेगा, क्या बना लेगा,
पोर्ट बना लेगा, जैसे मोबाइल फ़ोन आपका पोर्ट बना लेगा तो आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा, काम हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि कनेक्ट हुआ कि नहीं कनेक्ट हुआ, इसको कनेक्ट करा के देखते हैं। हम लोग इसको कनेक्ट करा के देखते हैं। इसको कनेक्ट कराने के लिए आपको माई कंप्यूटर में जाकर राइट क्लिक करना पड़ेगा। जैसे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैनेज का ऑप्शन आएगा। मैनेज के अंदर आप डिवाइस मैनेजर में जाएंगे। डिवाइस मैनेजर में जब आपका मोबाइल फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा तो यहीं पर पोर्ट बना देगा। क्या बना देगा? पोर्ट बना देगा। पोर्ट बनाने का मतलब हमारा मोबाइल फ़ोन कनेक्ट हो गया है। चलिए दोस्तों मैं आपको इसको कनेक्ट करा के दिखाता हूँ। इसको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहली बात आप इसकी बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे। बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद आप बैटरी लगा देंगे। बैटरी लगाने के बाद आप डाटा केबल लेंगे। डाटा केबल लेने के बाद जो ईडीएल पॉइंट है, ईडीएल पॉइंटों को दोनों पॉइंटों को शॉर्ट करेंगे। देखिए दोनों पॉइंट जो बता रहे थे हमने दोनों पॉइंट को शॉर्ट किया। दोनों पॉइंट को शॉर्ट करने के बाद आपको क्या कर देना है, इसके अंदर डाटा केबल को इंसर्ट करना है। जैसे डाटा केबल इंसर्ट करेंगे तो आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे पोर्ट बनाएगा। देखिए ये हमारा पोर्ट बनाया, हमने पोर्ट पे क्लिक किया, ये देखिए पोर्ट बन करके आया। मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये पोर्ट बनने का मतलब होता है फोन कनेक्ट। जितने भी नए लोग टेक्नीशियन होते हैं तो जब तक मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट नहीं करा पाते, पोर्ट नहीं बना पाते, तब तक आप उसमें कुछ रिपेयरिंग कर नहीं सकते। अगर इस मोबाइल फ़ोन को हमको रिपेयर करना है और ये मोबाइल फ़ोन हमारा कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो रहा है तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसको रिपेयरिंग करने का मतलब है फ़ोन को कनेक्ट होना। अब फ़ोन कनेक्ट होने का मतलब क्या है? पोर्ट बनाना। जैसे देखा इसमें COM20 नाम से पोर्ट बनाया, तो जब हम लोग सॉफ्टवेयर करते समय जाएंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं COM20 लिख के आएगा। अगर COM20 लिख करके आ रहा तो इसका मतलब हमको ये समझ जाना चाहिए कि हमारा फ़ोन क्या हो गया है, कनेक्ट हो गया है। हमारा फ़ोन कनेक्ट हो गया और हमारे फ़ोन पे ही सॉफ्टवेयर डल रहा है, वरना वहाँ पर सॉफ्टवेयर करते समय COM20 जगह पर COM13 लिख के आ गया, COM5 लिख के आ गया, तो समझ लो उसने हमारे फ़ोन को नहीं पकड़ा, कोई और चीज़ पकड़े बैठा है, गलत जगह चला गया। तो सॉफ्टवेयर कैंसिल करके फिर से दोबारा करो। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से दोबारा करेंगे। कर्सर कहाँ गया? अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा पोर्ट बना लिया, फ़ोन कनेक्ट हो गया। अब इसको फ़ोन कनेक्ट होने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन को ये तो मिनिमाइज कर लें। अब मिनिमाइज करने के बाद आपको QC फायर खोलना है। क्या खोलना है? QC फायर खोलना है। ये ऑलरेडी खुला हुआ है, ये QC फायर हमने खोला। QC फायर खोलने के बाद आपको माई कंप्यूटर का जो डिवाइस मैनेजर है उसको भी खोल लेना है। ऐसे ये हमारा QC फायर ऐसे स्क्रीन पे आ गया, फोन हमारा इधर कनेक्ट है, इधर सॉफ्टवेयर है। अब हमारे पास जैसे LS1542 है तो आपको क्वालिकॉम में जाना है, रीड एंड टूल में जाना है, फ्लैशर में नहीं जाना है। किस में जाना है? रीड एंड टूल में जाना है। रीड एंड टूल के बाद यहाँ पर जेनरिक क्वालिकॉम जाना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं LYF कंपनी का है तो L टाइप कर देना है। L टाइप करते यहाँ पर LYF का ऑप्शन आ जाएगा। LYF पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ से मॉडल ले लेंगे तो LYF 1542। अगर आप देखेंगे तो इसमें कहीं 1542 का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि नया मॉडल है, इसमें ऐड नहीं है। जब नया मॉडल ऐड नहीं हुआ है इसके अंदर, तो अपडेट नहीं हुआ है, ऐड नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार क्वालिकॉम के माध्यम से कर लेंगे। अगर क्वालिकॉम के माध्यम से नहीं होगा तो फिर हमको FRP को बाईपास करके देखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर गए जेनरिक क्वालिकॉम, एनी मॉडल कोई भी ले लिया। अब हमको क्या करना है, इसका FRP तोड़ना है, तो आपको यहाँ पर क्या कर देंगे, रीसेट FRP पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पर ऑपरेशन जैसा रन चालू हो जाएगा। ये देखिए COM20 लिख के आ गया, इसका मतलब हमारे फ़ोन को ही कनेक्ट कर रखा है, ओके। कनेक्ट हो गया, 32 GB का MMC लगा हुआ है इसके अंदर, ये चालू हो गया LS1542 मॉडल, रीसेट FRP लॉक डन। इसने FRP लॉक को क्या कर दिया है,
तोड़ दिया, हमारा पोर्ट की कनेक्टिविटी छूट जाएगी, FRP लॉक डन हो गया, आप मोबाइल फ़ोन में इधर डाटा केबल को हटा देंगे। अब देखिए जरा, मैं थोड़ा सा इधर समझा देना चाहता हूँ, इसमें आपको क्या डीड करना होता है। इसमें सबसे पहली बात तो है, जब आपका ऑपरेशन हो जाएगा तो ये लास्ट में ये लिख के आएगा, ये देखिए, ये जो है ये लास्ट में यहाँ पर लिख के आ जाएगा, तभी हटाएं, नहीं तो सॉफ्टवेयर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये ना करें कि डाटा केबल बीच में हटा दें जब तक ये लिख के ना आ जाए। दूसरी बात, जब आपका FRP रीसेट हो जाएगा तो यहाँ पर लिख जाएगा, ठीक है, अब डन हो गया। तो डन होने के बाद ये दूसरी बात, जब ये फॉर्मेट करेगा तो फॉर्मेट करते समय सॉफ्टवेयर देखो लिख के आ रहा है, तो ये आपका मॉडल भी लिख के आ रहा है, लिखे ना JioLS 1542, ये लिख करके आ रहा है। अब उसके बाद जब इतना आपने देख लिया, इतना देखने के बाद थोड़ा सा इसी सॉफ्टवेयर में हम लोग ऊपर जाते हैं, आपको यहां पर क्या देख लेना है ऊपर स्क्रीन में, सबसे पहले देखना कि ऑपरेशन आपने रीसेट FRP का किया था, वही काम चालू हुआ है। अगर फॉर्मेट करेंगे तो फॉर्मेट लिख के आएगा, भाई तुम फॉर्मेट वाला काम कर रहे हो, फ्लैशिंग करोगे तो फ्लैशिंग लिख के आएगा। उसके बाद यहां पर पोर्ट, उसके बाद ये देखो, ये लिखा है हैंडसेट सीक्वेंस ओके। हैंडसेट सीक्वेंस ओके का मतलब होता है जो आपने सब कुछ काम किया है ये सारा तरीका सही है। कई बार ऐसा यहाँ पर लिख के आ जाता है हैंडसेट सीक्वेंस, जो ओके की जगह पर लिख जाता है फेल। अगर फेल लिख जाता तो ये समझ जाइए कि आपका कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है, कंप्यूटर को बंद करके दोबारा चालू करना है, फिर फ़ोन कनेक्ट कराना है, फिर करना है, कई बार लिख करके आता है। उसके बाद आपका प्री लोडर डन और आपका ऑपरेशन क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो ये जब आपके स्क्रीन पर जब सॉफ्टवेयर डलता है तो पहले ये लिख के आता है, फिर 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 ये लिख करके आता है। तो ये जो लिख करके आ रहा है ना, तो इसका आपको मतलब समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे बुद्धू की तरह बैठे हो उसमें सॉफ्टवेयर पढ़ रहा है, तुम ऐसे झांक रहे हो। जो चीज़ सॉफ्टवेयर की एक सबसे बड़ी कहानी और सबसे बड़ी अच्छी खासियत है कि जो भी काम को लिख के देता है, अगर काम हो रहा है तब भी लिख के देगा, और नहीं हो रहा है तब भी लिख के देगा। और अगर वो वेटिंग पे चला गया, रिक्वेस्ट फेल्ड हो गया, तो इसका मतलब है उस एप्लीकेशन ने धोखा दे दिया है और सॉफ्टवेयर वहीं पर रुक गया है, फिर से दोबारा करो। कई बार नहीं होता कि जैसे व्हाट्सअप खोलते हैं नहीं खुलता, और डाटा हमारा ज़्यादा होता, नॉट रिस्पॉन्डिंग वेटिंग लिख के बंद हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि हमारा मोबाइल फ़ोन लोड नहीं ले पा रहा और बंद हो गया, तो सॉफ्टवेयर को दोबारा प्रोसेस रन कराते हैं मोबाइल फ़ोन को रिस्टार्ट करके, ऐसे इसमें ये सारा करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन में FRP टूटा भी कि नहीं टूटा। बैटरी को हटाया, दोबारा से मोबाइल फ़ोन में लगाया, मोबाइल फ़ोन को लगाने के बाद फिर हम फ़ोन को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। अगर इसका FRP टूट गया होगा तो जहां पर Gmail ID पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ रहा था और नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा था, उसी के बगल में स्किप का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। अगर स्किप का ऑप्शन हाईलाइट हो गया तो इस मोबाइल फ़ोन का FRP क्या है, टूट गया। फ़ोन चालू हो गया है, कोई भी मोबाइल फ़ोन का यदि आपके पास लॉक तोड़ने के लिए आता है या किसी काम के लिए मोबाइल फ़ोन रिपेयर होने के लिए आता है, तो आप उसको इस तरीके से सीक्वेंस के माध्यम से रिपेयर करेंगे। आप मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के लाइन में जो उसका तरीका है, जो उसका सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में अपने मन से कोई बदलाव ना करें। जो तरीका बना है उस तरीके के हिसाब से आप रिपेयर करेंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन तुरंत ठीक हो जाएगा और आपको समझ में आएगा।
ये देखिए, देखो स्किप का ऑप्शन हाईलाइट हो गया, देखो ये हाईलाइट हो गया। हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे। स्किप करने का मतलब हमारा जीमेल अकाउंट चला गया। जीमेल अकाउंट का टूटने का मतलब ही स्किप का ऑप्शन हाईलाइट होगा। अगर आप इसको बाईपास करेंगे तो बाईपास करते समय भी स्किप का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। ये देखिए लॉक टूट गया। ये देखिए, ये हमारे मोबाइल फोन का लॉक टूट गया। अब देखिए इसका मॉडल यहाँ पर नहीं हाईलाइट था, तो हम लोगों को ऐसा नहीं कि आप लोग जैसे परेशान होंगे, भाई अरे इसके अंदर मॉडल नहीं दिया हुआ है तो यार हम लोग नहीं कर पाएंगे। अरे मॉडल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जेनेरिक क्वालिकॉम एनी मॉडल इसने दे रखा है। इसी तरीके से मीडियाटेक ने भी वन क्लिक दे रखा है। इन्होंने अपना ऐसा इसलिए दे रखा है ताकि कुछ ऐसे आड़े टेढ़े मॉडल आते हैं जिसमें इसके अंदर नहीं आ जाता, क्योंकि भाई ये कंपनी है, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, ये भी एक इंसान है जिसने बनाया है, इसको भी कोई सपना तो आ नहीं रहा है कल को नया कौन सा पैदा हो जाए, जियो के बाद पियो आ जाए तो उसको कैसे पता है। तो उसके अंदर इसको ये बात जरूर पता है कि इसके अंदर सीपीयू तो हमारा ही लगाएगा, चाहे जियो बनाओ चाहे पियो बनाओ, सीपीयू तुम क्वालिकॉम मीडियाटेक ही लगाओगे, कि सीपीयू थोड़ी ना केसर राजधानी वो भी बना दोगे, सीपीयू तो तुमको यही लगाना पड़ेगा, डाल्टा कंपनी का सीपीयू थोड़ी ना बन जाएगा। तो उसी तरीके से सीपीयू तो इसमें चाइनीज ही इस्तेमाल होगा। अब वो चाहे क्वालिकॉम लगाओ, चाहे मीडियाटेक लगाओ, चाहे एसपीडी लगाओ, तो जब तुमको सीपीयू वही लगाना है तो जाहिर सी बात है कि तुमको अनलॉकिंग, फ्लैशिंग, रिपेयरिंग, सॉफ्टवेयर की रिपेयरिंग वो भी सीपीयू के आधार पर ही होगी। अगर किसी भी बंदे को सॉफ्टवेयर में अगर आपको मास्टर बनना है, सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा करना है या सॉफ्टवेयर की चीज़ों बहुत अच्छी से समझनी है, तो ये बात समझ लीजिए आपको मोबाइल फ़ोन में सीपीयू का पहचान बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सीपीयू ही एक कंपनी है जो मोबाइल फ़ोन को बना करके देती है, बाकी जितनी सारी कंपनी है वो सिर्फ ज्ञान देती है, नॉलेज देती है। आज जियो बना रहा है तो कल को एयरटेल भी बनाएगा, लेकिन अपने घर से नहीं बना पाएगा, उसको ज़्यादा चाइना ही पड़ेगा, क्योंकि चाइना क्या है, ये चाइना की समझ लीजिए फसल है, क्या है फसल है। अब उस फसल को तुम यहाँ पर लाते हो और उसका इस्तेमाल करते हो, जैसे हमारे यहाँ गेहूँ चावल धान पैदा होता है, सेव मौसमी पैदा होता है, उसी तरीके से उनके यहाँ पर मोबाइल फ़ोन में रजिस्ट टेक्नोलॉजी पैदा होती है, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन ये पैदा होता है, तो उससे वो क्या काम करते हैं, ये प्रोडक्ट को बनाते हैं। जैसे खेत में कभी रोटी नहीं पैदा होती, गेहूँ पैदा होता है ना, तो गेहूँ को पीस पीस के फिर रोटी बना देते हो, उसी तरीके से वहाँ पर कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन पैदा होता है, उससे वो रजिस्टर कैपेसिटर कॉइल बनाते हैं, फिर रजिस्टर कैपेसिटर कॉइल को एक ढांचे में साल देते हैं जिसको बोलते हैं पीसीबी, और पीसीबी को किसी भी चीज़ में डाल देते हैं तो डिवाइस बन जाती है ना। तो इस तरीके से प्रोडक्ट तैयार होते हैं। आपको बेस समझना बहुत ज़रूरी है। हम जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट को जब भी मैं आपको सिखाता हूं, तो सॉफ्टवेयर के नाम पे सबसे पहली बार ड्राइवर, कनेक्ट करने का तरीका, सीपीयू और करने का तरीका, ये बहुत बिल्कुल बेसिक चीज़ें, जब तक आपको जितने भी सारे जो नए लोग हैं या नए यूजर हैं, जब तक बेसिक चीज़ें नहीं पता होगी तब तक आप एडवांस चीज़ों को कभी भी लाइफ में, ज़िंदगी में काम नहीं कर सकते। अगर लाइफ में सब चीज़ों को काम करने का मतलब है, आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हमने जियो नेक्स्ट मोबाइल फ़ोन का हमने केस स्टडी किया है, इसी तरीके से आप लोग भी रिपेयर करें।